Assalamualaikum, welcome to LinkedIn Solution. Amazon पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेप होता है कि जो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर पाते अप्रूवल की वजह से, तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं और जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। लेकिन अभी जेनेरिक्स प्रोडक्ट को भी लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आज की स्पेसिफिक इस वीडियो में सिर्फ हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जेनेरिक प्रोडक्ट्स को Amazon पे लिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी हार्डल। आप किस तरह Amazon पे जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो आप एंड तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। जो भी स्टेप आप मिस करते हो फॉरवर्ड करके देखते हो, वही आपका क्वेश्चन बन जाता है और फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक इन सोल्यूशन यूट्यूब पे। जेनेरिक प्रोडक्ट्स अप्रूवल पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, तब Amazon आपको अप्रूवल देता था कि आप किस तरह जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल लेते हैं, केस क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी ऑलमोस्ट Amazon वो अप्रूवल भी एक्सेप्ट नहीं करता और आपको सजेस्ट करता है कि न्यू एसआईएन क्रिएट करके आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट करें। अब न्यू एसआईएन कैसे हम क्रिएट करेंगे और अगर हम मीटू करेंगे तो क्या तरीका होगा, तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैं Amazon पे आता हूं और यहां पे मैंने जेनेरिक प्रोडक्ट सर्च किए हैं और यहां पे आपको बहुत सारे जेनेरिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ट्राई करते हैं अगर हम मीटू करते हैं, जैसे हम पहले मीटू करते थे और Amazon एरर देता था, तो उसका क्या सलूशन था। जो पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, वो फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अप्रूवल मिल सकता है। अब मोस्टली Amazon आपको उस पे अप्रूवल नहीं दे रहा जेनेरिक के लिए, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां से मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जो जेनेरिक हो मैं लिस्ट कर दूं, लाइक ये बर्गर प्रेस है और ये जो है ना ब्रशेज है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे आके मैं कोशिश करता हूं ये प्रोडक्ट मीटू होता है या नहीं होता। अब कुछ प्रोडक्ट मीटू हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट पे एरर आता है, ठीक है, तो एरर में लोग आके यहीं पे फंस जाते हैं कि अब हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं, मीटू का भी बताता हूं और खुद से जो न्यू एएसआईएन Amazon हमको बोलता है कि भाई आप न्यू एएसआईएन क्रिएट करें, तो न्यू एएसआईएन जेनेरिक के लिए हम कैसे क्रिएट करते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एएसआईएन मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो जेनेरिक है, ठीक है। एएसआईएन मैंने कॉपी किया, मैं Amazon सेलर सेंट्रल पे यहां पे आता हूं, मैं जाता हूं मेन्यूज में और यहां पे मैं आता हूं कैटलॉग में, क्लिक करता हूं। अच्छा जी, मैं यहां पे आ गया, जो एएसआईएन मैंने कॉपी किया था वो यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कंडीशन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ सेलेक्ट कंडीशन न्यू कर दूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे हमें एरर नहीं मिला, इट्स मीन हम ये प्रोडक्ट मीटू कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि कुछ प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम मीटू नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट जो है उसका हमें अप्रूवल मिल जाता है, जो कि मैंने एक तरीका आपको बताया था जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, और कुछ प्रोडक्ट का हमें अप्रूवल नहीं मिलता, हमें न्यू एएसआईएन का बता दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं मीटू की, आपके पास कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे लेके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 पीसेस है, इसके कितने प्राइस में आप सेल करना चाहते हो, जो भी आप अपना कैलकुलेशन प्रॉफिट वगैरह रखे, आप सेलिंग प्राइस लिखे, लाइक 25 मैं लिख रहा हूँ इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका FBA करना है या FBM करना है वो आप चूज करें और उसके बाद यहाँ पे आप इसको 7 फिनिश पे क्लिक कर दे, तो ऑलमोस्ट मेरा ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। जो आप कह रहे हो कि भाई जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होता, देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया लिस्ट, ठीक है। यू आर सेलेक्टेड लिस्टिंग आर रेडी टू लिस्ट एज FBA, ठीक है, लिस्ट एज FBA मैं करता हूं और ये मेरी लिस्टिंग हो गई है। अभी तकरीबन 10-15 मिनट पे यहाँ पे इन्वेंट्री में आ जाएगी। अब कोई और प्रोडक्ट चेक करते हैं कि वो भी इस तरह लिस्ट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। ये तो एक प्रोडक्ट हमने ट्राई कर लिया, यहाँ पे मैं कोई और प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ इनमें से, लाइक ये हो गया सोस कप्स है और इसको मैं हम करते हैं ट्राई। इसका मैंने एएसआईएन कॉपी कर लिया, द सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैं आता हूँ कैटलॉग में और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, पूरा लिंक कॉपी हो गया है एएसआईएन कॉपी करने, ओके। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट चेंज अ प्रोडक्ट डिटेल पेज आर एड ऑफर ऑन अनदर सेलर जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम अप्रूवल लेते थे जेनेरिक का, जो मैंने जिसपे मैंने वीडियो बनाई अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो Amazon क्या करता है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि Amazon आपका अप्रूवल रिजेक्ट कर देते कि भाई आप इसको रीसेल नहीं कर सकते, आप इसको मीटू नहीं कर सकते, आप न्यू एएसआईएन क्रिएट करें। न्यू एएसआईएन हम कैसे क्रिएट करते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, एक प्रोडक्ट मीटू हो गया ये वाला, ठीक है। अभी जो इससे पहले मैंने जो ब्रशेस लिस्ट की वो मीटू हो गया, कुछ हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होते, लेकिन श्योर आपने ये करना है कि आपके पास प्रोडक्ट हो, ऐसा ना हो कि आपके पास प्रोडक्ट ही ना हो और आप इसको लिस्ट करें, ठीक है। जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आपने फॉलो करने है, सिर्फ मैं आपको तरीका लिस्टिंग का बता रहा हूं और यहां पे जो इशू आ रहा है वो मैंने आपका क्लियर करना है, ठीक है। यहां पे मैं आया और यहां पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहां पे कैटलॉग में जहां पे हम प्रोडक्ट मीटू करते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हो, समझ ले ये
जो लिस्ट नहीं हो रहा था, मीटू नहीं हो रहा था, अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट है और इसको मैंने अलग से लिस्ट करना है, तो मैं कैसे लिस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नाम है वो है सोस कप्स, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसकी जो फैमिली है वो यहाँ पे आ गई है। अगर आपको लग रहा है कि ये फैमिली गलत है, सही नहीं है, तो सेलेक्ट अदर पे क्लिक करके प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी है, जो एग्जैक्ट फैमिली है, वो यहाँ से आप चूज कर ले। ठीक है, इन केस ये ठीक है तो इसको मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसी कैटेगरी में ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आइटम नेम में मैं सिर्फ ये ऐड किया है, इसका हमें प्रॉपर टाइटल चाहिए। प्रॉपर टाइटल हम यहाँ पे AI से भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कंटेंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है, तो अगर वेरिएशन है तो चूज करें, इसमें वेरिएशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका ब्रांड नेम क्या है, कौन सा ब्रांड है, तो ये तो ब्रांड नहीं है। इसके नीचे लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, आप इसको चेक करें तो ये ऑटोमेटिकली देखो जेनेरिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे ये हमारा मसला हल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट अभी जेनेरिक में हमारा न्यू एसाइन क्रिएट हो जाएगा और न्यू प्रोडक्ट हमारा एड हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, एक मिनट सबर करें, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टाइटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का जो थोड़ा सा कंटेंट लेता हूँ, आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट हम AI से जनरेट करवाते हैं कंटेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंटेंट देना होता है। ठीक है, AI को, तो यहाँ पे मैं कंटेंट देता हूँ और यहाँ पे जनरेट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखो आइटम नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, लीक प्रूफ स्टेनलेस स्टील सोस कप्स, और पूरा यहाँ पे जो है ना मेरा टाइटल आ गया है। आप इसको पढ़ ले और अपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर ले कि ये सही है या गलत है, अगर कुछ है तो इसमें चेंजेस कर ले, अगर सही है तो इसको रहने दे। ठीक है, रीजनरेट कंटेंट पे क्लिक करके आपको एक नया टाइटल भी मिल सकता है, यहाँ पे अगर आप इसके साथ और भी खेलेंगे ना तो आपको यहाँ पे और भी कंटेंट मिल जाता है। सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाना है मैंने, बाकी अपना दिमाग आप लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ गया, वहाँ पे AI ने जनरेट किया, बुलेट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ गए, AI ने जनरेट कर दिए। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने इसको पढ़ना है कि AI ने कोई ऐसी वैसी चीज तो इसमें नहीं लिखी, या किसी ब्रांड का नाम तो इसके अंदर नहीं है, वरना आपको वायलेशन आ जाएगा। तो आपने इसको मेक श्योर करना है और आपने पढ़ना है इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के। उसके बाद मैं यहाँ नीचे पे आता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस हमने देने हैं। प्रोडक्ट इमेजेस आपने अपने पास रख लेने हैं, या अपने सप्लायर से लेने हैं, या किसी भी से लेने हैं, लेकिन किसी ब्रांड के आपने इमेजेस भी यूज नहीं करने। मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेजेस मेरे पास पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेन इमेज में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इमेज आ गया, यहाँ पे ये इमेज आ गया, और जल्दी जल्दी से मैं इमेजेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इमेजेस मेरे ऐड हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स पे आता हूँ, जो रेड वाले हैं ये मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोडक्ट के हवाले से है यहाँ पे वो आप फिल करें, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो बेशक इसको आप खाली छोड़े, कस्टमर को मिसगाइड ना करें। तो यहीं पे जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन जो जो मुझे समझ आ रहा है वो जल्दी से वो मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसको फिल कर, मैं सिर्फ आपको लिस्टिंग क्रिएशन का तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरह आप अपना कंटेंट लिखते हो, और कंटेंट तो ऑलरेडी आपके पास आ गए। जो जो ऑप्शन सिर्फ आपको नहीं पता वो ऑप्शन आपने यहाँ पे सिर्फ वो फिल करने हैं। ठीक है, अब ये फील्ड्स मैंने फिल कर दिए, यहाँ से एरर खत्म हो गया। ऑफर में जाते हैं, कितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है, लाइक मेरे पास 30 पीसेस पड़े हैं, और कितने का आपने सेल करना है, तो यहाँ पर मेरी 30 का मैं सेल कर रहा हूँ। अमेजोन FBA करना है, FBM करना है, वो करे। आपका प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे आप जो है डायमेंशन लेके, जो भी आपकी डायमेंशन है, मैं यहाँ पे डमी वैल्यूज डाल रहा हूँ, आपका जो भी है तो अपने तरीके से सही आप लिखें। सेफ्टी एंड कंप्लायंस पे आते हैं, यहाँ पे किस कंट्री का प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट है, जेनेरिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइना। ठीक है, इसमें बैटरीज रिक्वायर्ड है, नहीं है, डेंजरस गुड्स है तो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, अननोन है। ठीक है, आइटम वेट कितना है वो भी लिखे, और सिंपली यहाँ पे आप सबमिट पे, अच्छा ऑफर में एरर आ रहा है किस चीज़ का, और अच्छा यहाँ पे हम इसको सेंटीमीटर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरर जो आ रहा था इसका आ रहा था। ठीक है, सिंपली मैं इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट मेरा लिस्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर सेलेक्टेड लिस्टिंग्स आर रेडी टू लिस्ट एज FBA, लिस्ट एज FBA पे मैं क्लिक करता हूँ, और मेरा प्रोडक्ट जो है ना एज FBA लिस्ट
हो जाएगा और इस पे तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं आपके इन्वेंट्री में अपियर होने में। तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे ये वाली हम मीटू कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने अपना प्रोडक्ट खुद से न्यू असाइन क्रिएट किया और अपने प्राइस पे हम अभी सेल करेंगे। तो अगर अगला बंदा आएगा और हमारी लिस्टिंग को कॉपी करेगा या इसको मीटू करेगा, ठीक है, तो वो नहीं कर सकेगा जिस तरह हम नहीं कर पाते ये वाली। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए टॉप पे ये प्रोडक्ट आ चुका है, लीक फ्रूट स्टेनलेस स्टील सोस कप्स, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके इमेजेस अभी अपडेट नहीं हुए क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी इतना टाइम इसका नहीं हुआ। जो इमेजेस हमने अपलोड किए थे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे और आ जाएंगे। ब्रांड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जेनेरिक आ रहा है। यहाँ पे जो जो डिटेल हमने एंटर किए थे, जो हमने बुलेट्स पॉइंट्स लिखे थे, जो हमने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे पुट कर दिया था, ये डिस्क्रिप्शन ये है और सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। न्यू ASIN क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह आप न्यू ASIN क्रिएट करते हैं। अगर मी टू करते हो तो मी टू करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, उसका प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताया कि कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते, जो नहीं होते उस पर अप्रूवल अभी Amazon एक्सेप्ट नहीं करता, न्यू ASIN का क्रिएशन का कहा जाता है। तो न्यू ASIN का क्रिएट करने का यही तरीका था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी क्वेश्चन ना पूछे, वहां पे मैं अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।